बड़ी खबर दमोह से आ रही है, जहां करंट लगने से दो बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी मिल रही है बिजली के तार की चपेट में आने से ये पूरा हादसा हुआ है। तो तेज आंधी और तूफान से ये बिजली का तार टूटा और इस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो तेजगढ़ थाने के परासई गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर दमोह से, जहां करंट लगने से दो बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें, तेज आंधी और तूफान से ये बिजली का तार टूटा और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। बिजली के तार की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। जी संजय, करंट लगने से दो बच्चों की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि तेजगढ़ थाने के परासी गांव का यह मामला है। शाम को तेज आंधी तूफान चली, इसी बीच बच्चे जैसे ही तेज आंधी तूफान चलती है तो आम के पेड़ों के नीचे को जाते हैं कि आम नीचे गिरेंगे और उनसे उठा के वो ले जाएंगे। तो बच्चे निर्भय सिंह और छुट्टू यहाँ पर आम को तोड़ने आम को उठाने के लिए गए थे। जब वापस लौट रहे थे, इसी बीच एक जो करंट का तार है जो निजी पंप को चलाने के लिए डाला गया था, टूट के तार फेंसिंग पे गिर गया और उसमें करंट आ गया, जिसके चलते दोनों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। खास बात यह कि 2 घंटे तक कोई भी एमपीवी का अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्रामीणों का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ा। साथ ही जो पंप संचालक जिनके यहाँ ये लाइन डाली गई थी, उनके ऊपर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में काफी रोष है। फिलहाल पुलिस मौके पर और संपूर्ण मामले की जांच है। संजय, जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटना पहले भी इस क्षेत्र में हुई है कि नहीं? जी मैं आपको बता दूं कि एमपीवी की लाइनों को झेलना तो अलग बात है, लेकिन यहाँ निजी पंप की लाइन जो डाली गई थी, यहाँ चोरी छुपे एक पंप को चलाने के लिए लाइन डाली गई थी, वो टूट के गिरी है, जिसमें बड़ा हादसा सामने आया है। कहीं ना कहीं एमपीवी की लापरवाही इसके चलते बिजली, लापरवाही तो है ही, लेकिन जो वो तार ऐसे ऐसे बाहर रखा गया है तो उस तार को ढकने के लिए कोई जगह नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था? जी मैं आपको बता दूं, ये तार जो टूटकर वो तार फेंसिंग तार बारगा होती है, वो चार और लोहे के तार की बारगा लगाई थी, उसके ऊपर गिरा है। लगभग 5 किलोमीटर में ये करंट फैल गया था।